दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली मैं बना रहा हूँ रिट्रेसमेंट कैंडल पे कि मतलब एक चीज बाइनरी में फॉलो करो अगर बिगनर हो या एडवांस हो कुछ भी, क्योंकि मेरा भी जो मेरा लॉस आज भी होता है तो वो सिर्फ इसके लिए होता है कि मैं बहुत एडवांस जाने लग जाता हूँ जहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अब सबसे इजी चीज़ इसमें क्या है, सबसे इजी है रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लो। कहीं भी रिट्रेसमेंट हो, किसी पैटर्न का हो, या जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न का हो या चार्ट पैटर्न का हो, जब भी रिट्रेसमेंट बन जाए तभी ट्रेड लो। तो कोशिश मैं करूँगा कि रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लूँ। कभी कभी उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी कि कैंडल डायरेक्शन अगर आपको नहीं नहीं समझ आया या नहीं पता है, तो हो सकता है कि 10% 20% टाइम पे ऐसा होगा कि रिट्रेसमेंट के बाद भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसी को फॉलो करोगे कि सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड लेनी है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो विनिंग रेशियो रहेगा वो हमेशा अप रहेगा। तो चलते हैं, यहाँ पे इसका जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो वैसे तो वो बहुत दूर है, तो एक मोमेंटम भी बन सकती है। ये कैंडल गैप अप हुई है और गैप अप तो सीधा सा बात है क्योंकि अभी रिएक्शन पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन गैप अप का सीधा सा मतलब होता है कि वो क्योंकि एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी हो चुका है तो वो नीचे ही आनी है। तो देखते हैं, ज़्यादातर चांसेस ही होते हैं कि वो नीचे आएगा। अब इधर लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, तो ये जैसे पिछली कैंडल गैप अप होके बनी थी और वैसे तो ट्रेंड ही सेलर्स अपना बना चुके थे, तो ये कैंडल आसानी से, क्योंकि दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है, तीन में तो मोमेंटम हो ही जाएगा। और उसके बाद ये कैंडल जो है, इस कैंडल पे मैंने डाउन की लगा दी है क्योंकि जैसे मैंने बताया था रिट्रेसमेंट पे लगानी है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। ये थोड़ा जूम करूँगा तो आपको दिखेगा। देखें, यहाँ पे ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, तो गैप डाउन ओपन हुई है, यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। और मेरी ट्रेड भी काफ़ी नीचे ही लग गई है, तो अगर गैप डाउन ना होता, जैसे कि अब यही सब इस पे फिल्टर है, जब आप रिट्रेसमेंट पे सिर्फ ट्रेड करोगे तो फिल्टर यही है, आपको यही चेक करना है गैप अप गैप डाउन ना हो बस। और वैसे अगर आपको गैप्स ना समझ आ रहे हो तो एक चीज़ बस याद रखो, जो बहुत बेसिक है, हमेशा गैप अप जब होता है तो वो किसी ना किसी, ज़्यादातर चांस मतलब 60-70% ये होता है कि वो किसी लेवल से स्टार्ट होगा, मतलब वो रेजिस्टेंस से स्टार्ट होगा। रेजिस्टेंस ऊपर होता है ना, तो वो रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट होगा, और जब गैप डाउन होगा तो वो किसी सपोर्ट से स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल का जो सीन है वो सीन ये हो चुका है कि मॉर्निंग स्टार बनी है, और मॉर्निंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, सेलर्स रिट्रेसमेंट बन चुके हैं और बायर्स कंटिन्यू करेंगे। ये कैंडल अगर नीचे आती है तो मैं आपकी ट्रेड ले लूँगा। ये वही सेटअप है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट, अब यहाँ पे रेड कलर वाली रिट्रेसमेंट है तो ग्रीन ने कंटिन्यूशन दिया है, तो यहाँ ट्रेड बनती है। अब ठीक है, टाइम निकल चुका है तो मैंने ट्रेड नहीं लगाई है, लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो इस पे एकदम सही साबित हुई है। तो आगे देखते हैं, और अब जो ये कैंडल आ रही है, ये कैंडल अब बता रही है कि बायर्स भी वीक हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब आप लेफ्ट में देखेंगे तो 100 के नीचे इसने गैप डाउन कर दिया था। हाँ, तो वहाँ पे तो ट्रेड मैंने लगा दी है क्योंकि मेरा एक लॉस हुआ था। तो इस तरह आपको लेफ्ट पे और राइट पे भी ध्यान देना होता है। वैसे तो अगर आपके पास लेफ्ट लेग होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये 00 और 000 जहाँ होते हैं ये अक्सर काम करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कैप डाउन किया है उसका ब्रेकआउट करने के लिए ही, लास्ट के 10 सेकंड बचे हुए हैं। तो ओके, अब मुझे कंफर्म है कि अब क्या करना है। अब इसने जो जहाँ मार्केट स्टक हो रही थी वहाँ से
उसको कम्प्लीटली स्किप ही कर दिया है, और मुझे अब समझ आ गया ये नीचे आएगा तो मैं चार्टेड लगाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मनी मैनेजमेंट है वो मैसनीलो से ही है। पहली ट्रेड $1, दूसरी ट्रेड $2, और तीसरी ट्रेड मैं $4 का लगाता हूँ, और अगर ये भी लॉस होगा तो फिर ख़त्म, वरना फिर आगे चलेंगे। इस तरह अगर आप करोगे, सबसे पहले तो आपको अपने सेटअप पे जो है, सेटअप आपका अच्छा होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए, तभी आप जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो एक ट्रेड मेरी कम लगी है, मुझे 4 लगाना था, और अब 50% से इसको रिजेक्शन आ रही है। वो जो बिग कैंडल है 50% के, उसका जो है वो एक लेवल का काम कर रहा है, तो ठीक है। तो मेरा लॉस जो हुआ था $1 उधर, $2 इधर, तो मेरा $3 का लॉस था, जो कि $5 में कवर अप हो चुका है। और जो लेवल्स होते हैं, जैसे कि मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए विक के जो लेवल्स होते हैं, जो सिर्फ विक होते हैं, नॉर्मली विक, वो भी लेवल होते हैं। वहाँ का रिएक्शन जो होगा उस रिएक्शन का, और एक जो आपका एक रेंज में मार्केट चलती है, अप डाउन दो SNR के बीच हुआ करती है, वहाँ का रिएक्शन आपका दोनों का अलग होगा। क्योंकि जब आपका रेंज में होता है ना, तो जो आपका, जैसे कि मान लो रेजिस्टेंस लेवल पे कैंडल पहुँच गई है, तो वहाँ पे फिर ज़्यादातर चांस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स वहाँ पे, ज़्यादातर सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो वहाँ का जो आपका रिजेक्शन होगा वो अलग होगा। और जो आपका ये विक का रिजेक्शन होता है, ये अलग होता है। तो यहाँ वहाँ अगर एक क्विक रिजेक्शन आई है, तो आप सीधे डाउन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जब विक पे होता है, तो विक वाले पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि विक में ये होता है, टारगेट आपको और ऊपर ही बता रहता है।